सिखाती है। अगर आप लोगों ने भविष्य पुराण पढ़ी होगी तो उसमें आपको ध्यान रहेगा। शंकर का ऐसा भगत था राजा हर्षवर्धन, पृथ्वी पर उत्तर का जो राज्य था वो हर्षवर्धन के पास में था। पृथ्वी के उत्तर का भाग राजा हर्षवर्धन के पास में था। भविष्य पुराण कहती है शंकर की उपासना करता था, शिव भक्ति में डूबता था। एक बार राजा हर्षवर्धन के पास में कोई आया और राजा हर्षवर्धन के पास में आकर उसने कहा, सुनो राजन, मैंने सुना है कि आप शंकर के उपासक हो, तो जैसे शंकर रहते हैं आप वैसे क्यों नहीं रहते? राजा हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव का रूप कैसे ले सकता हूं, मैं शिव का रूप कैसे ले सकता हूं? जैसे शंकर रहते हैं वैसे क्यों नहीं रहते? शंकर कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास में कुछ नहीं रहता, तो तुम भी सब कुछ दान क्यों नहीं कर देते? राजा हर्षवर्धन ने कहा, महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप कह रहे हो कि मैं भगवान शंकर जैसा रहना चालू कर दूं, शिव का उपासक हूं, शंकर का भगत हूं, शिव की आराधना करता हूं, तो शिव जैसे रहूं? मैं शिव जैसे नहीं रह सकता, मैं शंकर नहीं बन सकता। हाँ, तुम कह रहे हो कि शंकर ओघड़ी है, उसके पास में कुछ नहीं रखता, सब दे देता है, तो ये जरूर कर सकता हूं कि मैं भी सब दे सकता हूं। परीक्षा ली, परीक्षा ली, हाथ पकड़कर राजा हर्षवर्धन से कह दिया गया, अगर ये बात है तो चलो सब दान करने चलो। राजा हर्षवर्धन ने कहा चलिए। पूरा राजसी सामान राजा हर्षवर्धन ने गाड़ियों में भरवा दिया और चल दिए प्रयागराज के कुंभ के मेले में। देखिए जरा, ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, ये कथा बहुत पुरानी नहीं, ये यही कलयुग की कथा है, बहुत पुरानी नहीं। राजा हर्षवर्धन ने गाड़ियों में रथों में सामान भर लिया, हीरा पन्ना रतन आभूषण माणिक मोती सोना चांदी अंबर पीतांबर, जो कुछ रखना था राजा हर्षवर्धन ने सब रख लिया, ले गए कुंभ के मेले में प्रयागराज में। और कुंभ के मेले में प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन जब पहुंचे, दान करना प्रारंभ करा, जो दान देना प्रारंभ करा, दान देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए, आखिरी में राजा हर्षवर्धन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब उसी जगह पर फिर खड़ा हो गया वो ब्राह्मण, उसने कहा, राजा हर्षवर्धन, तुमने सब कुछ दे दिया तो शंकर जी तो तन पर कपड़ा भी नहीं रखते, तुम्हारे शरीर पे तो कपड़ा रह गया। राजा हर्षवर्धन ने वो कपड़े निकाल के भी दान कर दिए। नग्न अवस्था में राजा हर्षवर्धन बैठे हुए थे, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर राजा हर्षवर्धन के मुख से निकल गया, शिव मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है शिव कि मैं शिव बन सकूं, मैं शंकर बन सकूं, इतनी सामर्थ्यता मेरी नहीं है, पर शिव मेरे ओघड़ बाबा, आपने मुझे जो बल दिया है, दान करना सिखा दिया है, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, इतना तो कहना था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री रथ से नीचे उतर कर आई और अपने भाई को कपड़े देकर बोली, भाई
ये वस्त्र तो पहन ले। भाई जब वस्त्र धारण करने लगे राजा हर्षवर्धन, जब कपड़े पहनने लगे तो राजा हर्षवर्धन की आंखों में जल भरा था। वारे प्रभु वा, जिस दिन से जन्म दिया उस दिन से तन पर कपड़ा दिया, मतलब ये विश्वास हो गया कि मैं यहां से जाऊंगा और राज पूरा भरा मिल जाएगा, ये पक्का है। शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन मिलता है, भविष्य पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन कर रहा है। उमाखंड में हर्षवर्धन की कथा नहीं है शिव महापुराण में, पर भविष्य पुराण में हर्षवर्धन की कथा को लिखा गया और उसमें वर्णन किया गया। जब राजा हर्षवर्धन वापिस गया अपने नगर में, तो शंकर की करुणा क्या होती है, दान करने से घटा नहीं, चार गुना और भरा हुआ वहां पर प्राप्त हो गया, चार गुना भरा हुआ वापिस प्राप्त हो गया। आपने शिव को दिया क्या है, दान किया क्या है, आपने दिया कितना है, बस इसलिए कई कथाओं में हमने वर्णन करा, आप जितना दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, यदि आप बिठले सेवा समिति को भी कुछ दे रहे हो तो तुम्हारे पास में पैसा जमा करने का स्क्रीनशॉट तो आएगा, स्लिप तो आएगी, उस स्लिप को अपने पास रखना और तारीख लिखना कि कौन सी तारीख को तुमने पैसा जमा करा, उसका एक साल मिलाकर रखना, वो 10 गुना 50 गुना 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ उसका अंदाजा लगा कर रखना। शंकर को दिया हुआ, पुण्य करा हुआ, धर्म करा हुआ, कहीं घट नहीं सकता, घट नहीं पाए। आज सुबह के क्रम में एक हरियाणा से कोई आए थे महाराज, उनका नाम तो हम जानते हैं।